अपने 30 सालों से भी लंबे फिल्मी करियर में दर्जनों हीरोइनों के साथ काम किया। ऐश्वर्या राय से लेकर माधुरी दीक्षित तक के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। कई हीरोइनों ने सलमान के ऑपोजिट अपने करियर की शुरुआत की। उनमें से जहां कुछ आज भी फिल्मों में टिकी है तो कुछ गायब हो गई, वहीं कुछ शोबिज इंडस्ट्री छोड़कर ही चली गई। कौन सी हीरोइन कहां है और क्या कर रही है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेनू आर्या की। बतौर लीड हीरो भले ही सलमान खान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया थी जिसमें उनकी हीरोइन भाग्यश्री थी, लेकिन इससे पहले सलमान की फिल्म बीवी हो तो ऐसी में सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे सलमान खान। इस फिल्म में सलमान की हीरोइन थी रेनू आर्या। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया, लेकिन रेनू आर्या अचानक ही फिल्मों और शोबिज इंडस्ट्री से गायब हो गई। रेनू आर्या ने 29 साल पहले ही फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। रेनू आर्या अपनी शादीशुदा लाइफ में बिजी है और उनकी दो बेटियां हैं सलोनी और दिया। शादी के बाद अब रेनू आर्या से रेनू सिंह बन चुकी है और वे सिंपल लाइफ जी रही है। रेनू आर्या के फेसबुक प्रोफाइल से मिली जानकारी के मुताबिक वे फिलहाल नोएडा में रह रही है। सलमान खान ने सूरज बरजातिया की फिल्म मैंने प्यार किया के जरिए बतौर लीड हीरो डेब्यू किया और इसमें उनकी हीरोइन थी भाग्यश्री। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। लोगों ने सलमान और भाग्यश्री की जोड़ी को खूब पसंद भी किया। इस फिल्म ने इंडस्ट्री में सलमान और भाग्यश्री को स्थापित कर दिया और उनके पास फिल्म ऑफर्स की बाढ़ आ गई। भाग्यश्री ने फिर एक के बाद एक कई फिल्में की। भाग्यश्री ने टीवी की दुनिया में भी काम किया और वे आज भी एक्टिंग में सक्रिय है। भाग्यश्री जल्द ही राधे श्याम और थलाइवी में नजर आएंगी। एक्ट्रेस कंचन याद है, वही कंचन जो पूरी नंबर 1 में गोविंदा और करिश्मा कपूर के साथ नजर आई थी। जी हां, कंचन ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया था। वे अक्षय कुमार के साथ फिल्म अमानत में भी नजर आई। कंचन ने फिल्म सनम बेवफा में सलमान खान के साथ काम किया था। सनम बेवफा में ही सलमान के साथ एक्ट्रेस चांदनी ने भी काम किया था। वे फिल्म में सलमान की लीड हीरोइन थी और दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था। सनम बेवफा चांदनी की पहली फिल्म थी। ये फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन बताया जाता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सावन कुमार तक के साथ कॉन्ट्रैक्ट के चलते वे अन्य फिल्मों में लीड हीरोइन नहीं बन पाई। जब तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब चांदनी को फिल्में मिलना बंद हो गई, तब चांदनी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। चांदनी का असली नाम नवोदिता शर्मा है और अब वह ऑरलैंडो में एक डांस स्टूडियो चलाती है और इंटरनेशनल लेवल पर कई शोज कर चुकी है। एक्ट्रेस शीबा ने सलमान खान के साथ फिल्म सूर्यवंशी में काम किया था। इस फिल्म में वह लीड हीरोइन थी और अमृता सिंह सलमान के पिछले जन्म के प्यार के किरदार में थी। फिल्म को कुछ खास नहीं चल पाई पर शीबा और सलमान की जोड़ी काफी पसंद की गई। इस फिल्म के बाद शीबा ने कई और फिल्में की और फिर टीवी का रुख कर लिया। शीबा भी एक्टिंग में सक्रिय है पर स्क्रीन पर बहुत ही कम नजर आती है। 2017 में वह टीवी शो हासिल में नजर आई थी और तब से एक्टिंग से दूर है। हालांकि शीबा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है। वे इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती है। आयशा जुल्का उन एक्ट्रेसेस में से एक है जो 90 के दशक में एक ही फिल्म में दो दो हीरोइनों के साथ काम कर रही थी। उनके कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। फिल्म में अक्षय कुमार और सलमान खान का नाम भी शामिल है। सलमान के साथ आयशा जुल्का ने फिल्म कुर्बान में काम किया था। ये आयशा जुल्का की डेब्यू फिल्म थी। आयशा और सलमान की केमिस्ट्री सबको बहुत पसंद आई। इस फिल्म के बाद आयशा की किस्मत खुल गई और उन्होंने कई बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम भी किया। इसके 8 साल बाद आयशा जुल्का ने 2018 में फिल्म जीनियस से कमबैक किया था। आयशा सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमन भी है। वे और उनके पति समीर वाशी एक रियल एस्टेट फर्म के मालिक है जिसका नाम है सेम रॉक डेवलपर्स। नगमा ने सलमान खान के ऑपोजिट फिल्म बागी अ रिबेल फॉर लव से डेब्यू किया था। हिंदी फिल्मों में सलमान खान उनके पहले हीरो थे। 1990 में रिलीज हुई ये फिल्म
उस वक्त सुपर हिट रही थी। लोगों ने सलमान और नगमा की जोड़ी को भी खूब पसंद किया। बाद में नगमा ने ढेरों फिल्में की। बॉलीवुड के अलावा नगमा ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी कई फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ एक भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। नगमा ने फिल्में छोड़कर राजनीति की दुनिया में कदम रखा और अभी भी उसी में सक्रिय है। सलमान खान ने 7 फिल्म बंधन और जुड़वा में नजर आई एक्ट्रेस रंभा को भला कोई कैसे भूल सकता है। रंभा ने साउथ की फिल्मों से करियर शुरू किया था और फिर कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आई। 90 के दशक में वे टॉप की हीरोइनों में शुमार थी और सलमान खान के साथ भी उनकी जोड़ी खूब जमी। पर 2002 में रंभा ने जहां हिंदी फिल्मों को अलविदा कह दिया, तो वहीं 2010 में उन्होंने शादी करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री हमेशा के लिए छोड़ दी। सलमान खान की गर्लफ्रेंड रही संगीता बिजलानी ने शादी करने के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया, लेकिन अब वह भी एक्टिंग में वापसी करना चाहती है। हाल ही संगीता बिजलानी ने एक इंटरव्यू में ख्वाहिश जारी की कि वह वेब शो के जरिए कमबैक करना चाहती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल चिली मिर्च मसाला को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए।